आज कुछ और तस्वीरें आई, देखना चाहेंगे आप? अगर आप देख नहीं पा रहा हूं, मैं बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं। उन तस्वीरों को देखकर शायद देश को भी हैरानी हो। जंतर मंतर से लाखों तस्वीरें आपने देखी होंगी पहलवानों के धरने की, लेकिन एक लेटेस्ट तस्वीर आई है, इसे जरूर देखिए। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, यह मसला जो वेल्डिंग वाला है, बैरिगेटिंग किसान आंदोलन के वक्त आपने देखे होंगे, लेकिन आज कुछ तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जंतर मंतर से आई हैं। बैरिगेटिंग्स को वेल्डिंग किया जा रहा है, यानी कि फिक्स किया जा रहा है, फिक्स। तो ये तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़ा कर रही हैं। सवाल क्या है, अब उनका जवाब मैं गौरव जी आपसे चाहूंगा। गौरव जी, ये तस्वीरें आपने देखी? गौरव जी, क्या इन तस्वीरों को आपने देखा कि वहां पर बैरिकेटिंग्स को वेल्डिंग किया जा रहा है? बैरिकेटिंग को तोड़ने की तस्वीर तो हमने देखी थी, हाँ, लेकिन उसको वापस फिर खड़ा करने की और वेल्डिंग करने की तस्वीर हमने नहीं देखी। नहीं, खड़ा नहीं किया जा रहा, वेल्डिंग फिक्स किया जा रहा है उसको। जी जी, तो मेरा सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्या ये सारे आंदोलनजीवी हैं? तिलक जी, देखिए, किसान आंदोलन को लंबा समय बीत गया और कहीं ना कहीं आंदोलनजीवी अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहलवानों की जो मांग थी, उस मांग के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया, FIR दर्ज हुई और उसकी उसका जो पी होता है, पी की प्रक्रिया चल रही है। और जहां तक मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उसमें 7 पहलवानों का बयान भी लिया गया है, लेकिन उसमें भी एम्बिग्यूटीज और उसमें भी कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, क्योंकि घटना मैं समझा नहीं कि आपने कहा कि जो किसान आंदोलन के वक्त आंदोलनजीवी थे वो बेरोजगार हो गए, मतलब मैं समझा नहीं आपकी। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप स्पष्टीकरण आप खुद ही समझ जाएंगे। तो एक लंबे समय से किसी मुद्दे को ये खोज रहे थे और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से राजनीति, जातिवादी राजनीति की तरफ विपक्ष पूरा ले जाना चाहता है हिंदू समाज को, और किस तरीके से हिंदू समाज में फ्रिक्शन पैदा किया जाए, तोड़ पैदा किया जाए, उसकी संभावनाओं की तलाश लगातार कर रहा है। इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, केवल हिंदू की बात कर रहा हूं। किस तरीके से इस आंदोलन को भी जातिवादी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, माननीय टिकैत जी के द्वारा, सतपाल मलिक जी के द्वारा, जयंत चौधरी जी के द्वारा, और बंद कमरे में बैठक करके और इस प्रकार से खाप पंचायतों को इसमें डालना, जबकि गौरव जी क्या आप क्या इसे जायज मानते हैं जो वहां पर वेल्डिंग हो रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे किसान आंदोलन में था, अब ये आंदोलन लंबा चलेगा, आप भी ये मान रहे हैं, लगता है आपको? लेकिन जिस प्रकार से ट्रैक्टर से वहां की बैरिकेटिंग को तोड़ा गया, तथा कथित पंजाब से आए किसानों के द्वारा, तथा कथित मैं बोल रहा हूँ, ये कोई किसान विसान नहीं है, ये परमानेंट इसी प्रकार के आंदोलनों में अपने किरदार को खोजते हैं, उससे अपना रोजगार धंधा चलाते हैं। अच्छा, तो अगर कोई आंदोलन में आ रहा है, बैरिकेटिंग्स लगाए जा रहे हैं, तो ये उनकी सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है, सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये वही लोग थे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर पर जाकर के भारत को कलंकित करने का काम किया था, ये वही लोग हैं, उसी प्रकार के लोग हैं, उसी मान, लेकिन उस वक्त की जो तस्वीरें सामने आई, एक मिनट, किसानों के जो मसला ये भी है ना, किसान आंदोलन के वक्त कुछ और तस्वीरें भी आई थी। मैं क्यों ये तस्वीरों का जिक्र कर रहा था, आपको याद होगा, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, किसान आंदोलन के वक्त की जो तस्वीरें आई थी, कीले गड़ी हुई थी सर वहां, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो प्लीज प्ले कर पाए, कीले गड़ी हुई थी बकायदा वहां पर, बैरिगेटिंग्स जो थे उस पर किस तरह के पूरे बंदोबस्त किए गए थे, ये देखिए, कीले, जंजीरें, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर हो, किसी देश का बॉर्डर हो, वहां उस तरह के नजारे दिखाई दिए थे। गौरव जी, मैं गलत तस्वीरें तो नहीं दिखा रहा ना? देखिए तिलक जी, पहले फोल्डिंग को लेकर बवाल होता है, रात को इतना बवाल हुआ, पहले फोल्डिंग और अब यहां पर बैरिकेटिंग्स को वेल्डिंग किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी ना किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण ये आंदोलन भी
उस आंदोलन स्थल पर हिंसा करने के लिए आमादा है, किसी प्रकार से हिंसा हो, माहौल बिगड़े और उसका ये राजनीतिक फायदा उठाएं, उस ताक में ये है। यद्यपि सरकार ने, प्रशासन ने हमेशा संयम दिखाया है, आपने पिछले आंदोलनों में भी देखा होगा शाहीनबाग का जिस तरीके से अनैतिक, गैर कानूनी, अलोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा था और अंततः वो हिंसा में उसकी परिणति हुई और 56 अगर किसान आंदोलन गलत था तो फिर 3 कानून वापस क्यों लिया आपने? और किसान आंदोलन यदि सही होता और जनता का समर्थन होता तो उत्तर प्रदेश में उनको समर्थन मिला होता। तो गौरव जी, आपने आंदोलन के वक्त 3 कानून वापस क्यों लिए फिर? वो आपको पता होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि व्यापक जनता के हित में और सुरक्षा के हित में इस निर्णयों को हम वापस ले रहे हैं। और तो आप आंदोलनजीवियों के आगे झुक गए थे, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं समझा, अगर ये आंदोलनजीवी थे तो आप इनके आगे झुक गए थे आंदोलनजीवियों के आगे। लेकिन रिपोर्ट क्या आई उसके बाद भी आप देख लीजिए। गौरव जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आप आंदोलन के दौरान, आपने कहा ये आंदोलनजीवी थे तो इनके आगे क्यों झुके आप? नहीं झुके कहाँ, हम झुके कहाँ, हम तो सीधे सीधे जनता के हित में काम कर रहे हैं और जनता के व्यापक हित में जो निर्णय होगा वो लेंगे। सरकार का कोई ईगो नहीं होता है जनता, यानी आप इसे जायज मानते हैं जो कुछ हो रहा है जंतर मंतर पे? ईगो इनका होता है और इस प्रक्रिया में भी संविधान अपना काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है।